री मॉन्स्टर जो कि एक इसेकाई फैंटेसी एनिमे है जो कि कुछ दिनों पहले रिलीज हुआ है और अभी तक इस वाले एनिमे के बस दो ही एपिसोड आए हैं जो कि जापानीज लाइट नॉवेल पे बन रहे हैं। तो बात करें इस वाले एनिमे की, तो इस वाले एनिमे के दो एपिसोड और थोड़ी सी लाइट नॉवेल पढ़ने के बाद में मैं बोल सकता हूँ कि भाई ये वाला एनिमे आगे चलकर काफी ज्यादा बढ़िया एक इसेकाई एनिमे होने वाला है, क्योंकि मैंने आज तक इतने सारे इसेकाई एनिमे देख के रखे तो मुझे पहले ही पता चल जाता है कि भाई कौन सा वाला इसेकाई एनिमे आगे चलकर अच्छा जाएगा या नहीं जाएगा। और हाँ, मैंने इसकी लाइट नॉवेल भी पढ़ के रखी तो मुझे यहाँ पर एक चीज काफी इंटरेस्टिंग लगी कि उन्होंने एनिमे के अंदर काफी बड़े बड़े वाले चेंजेस करे हैं। लाइक उसके जो नॉवेल है वो काफी ज्यादा पुरानी लगती है, इसलिए उसके अंदर के जो कैरेक्टर डिजाइनिंग है वो भी काफी ज्यादा बुरे लगते हैं, और इसीलिए उन लोगों ने एनिमे के अंदर ज्यादातर कैरेक्टर डिजाइन ही चेंज करके रख दिए और अपना जो मेन प्रोटैगनिस्ट है यहाँ पर एनिमे के अंदर काफी ज्यादा कूल लगता है। इस वाले एनिमे की शुरुआत जो है वो एक टिपिकल इसेकाई एनिमे की तरह होती है। लाइक पहले एपिसोड के अंदर ही अपना जो मेन प्रोटैगनिस्ट है वो मारा जाता है, बाद में आगे जाके वो दूसरी दुनिया के अंदर रीइनकार्नेट हो जाता है एज अ गॉब्लिन, जहाँ पर वो काफी ज्यादा ओवर पावर्ड बन जाता है। लेकिन ये जो गॉब्लिन रहता है वो उसका प्राइमरी फॉर्म नहीं रहता है, लाइक वो आगे जाके दूसरी मॉन्स्टर्स के अंदर इवॉल्व हो सकता है। अब इस वाले प्लॉट को सुनने के बाद में आपको स्लाइम वाले एनिमे की याद आ रही होगी कि भाई उस वाले एनिमे की शुरुआत भी तो ऐसी हुई थी, लेकिन ये वाला एनिमे एक इसेकाई एनिमे होने के बावजूद भी अपनी स्टोरी के अंदर काफी ज्यादा स्पीड रन कर रहा है। लाइक पहले दो एपिसोड के अंदर ही अपना जो मेन प्रोटैगनिस्ट है वो ऑलरेडी काफी ज्यादा इवॉल्व हो चुका है। शुरुआत तो अपना एमसीबी एक गॉब्लिन बन के करता है, लेकिन वो अपने साथ ही बाकी और लोगों को भी अलग मॉन्स्टर्स के अंदर इवॉल्व होने में मदद करता है। लाइक उसकी जो लेवल्स रहती है वो बाकी और लोगों से काफी ज्यादा जल्दी जल्दी बढ़ती है, इसलिए वो अलग अलग मॉन्स्टर्स के अंदर इवॉल्व होता रहता है। लेकिन अपने लेवल्स और अपने एबिलिटीज को जल्दी जल्दी बढ़ाने के लिए अपने मेन प्रोटैगनिस्ट के पास में एक यूनिक स्किल रहती है, पर इसी यूनिक स्किल की वजह से अपना जो मेन प्रोटैगनिस्ट रहता है वो जिस भी मॉन्स्टर को खाता है उसकी एबिलिटीज उसको मिलती रहती है, और वो आगे चलकर जितने ज्यादा हाई लेवल्स के मॉन्स्टर को खाएगा उतनी उसकी लेवल बढ़ती जाएंगी और दूसरी मॉन्स्टर के अंदर इवॉल्व भी हो पाएगा। लेकिन जितनी ये चीजें सुनने के लिए इजी लगती है उतनी इजी अपने मेन प्रोटैगनिस्ट के लिए नहीं जाती, लाइक उसको आगे चलकर अलग अलग खतरों से भिड़ना पड़ता है, तभी जाके वो एक सुप्रीम मॉन्स्टर के अंदर इवॉल्व हो पाता है। तो होपफुली गाइस आपको ये शॉर्ट रिव्यू पसंद आ गया होगा, इसके अंदर मैंने स्पॉइलर्स कम से कम देने का ट्राई करा है। तो चलो गाइस आज के इस वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आ गया होगा तो इस वीडियो पर लाइक कर देना, अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मैं मिलता हूं आपको आगे आने वाले किसी वीडियो के अंदर, तब तक के लिए सायोनारा।